परिवार जो है ना, विवाह एक संस्कार है, परिवार एक संस्था है, और दोनों को मिला दीजिए तो एक साधना है जिसमें बच्चे परवरिश पाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे आगे बढ़ते हैं, और हम अपनी उम्र को खोते रहते हैं, और खोती हुई उम्र में भी जज्बा बना के रखें, ऐसा मैनेजमेंट का अभाव हुआ है। और यह तब विकसित होगा जब लोगों में परित्याग की भावना आएगी, मानवतावाद की भावना आएगी, और विशुद्ध रूप से कहीं ना कहीं सत्य और शुद्धता की ओर होंगे। सबके मन में संदेह है, गुमराह करने का है, खामखा हम कह रहे हैं लिबर्टी और इक्वलिटी जो है, कौन पिता अपनी पुत्री की इक्वलिटी और लिबर्टी के लिए जान देने के लिए तैयार नहीं है। आप अपने जब शादी ब्याह हो जाएगा, 5 साल 4 साल बीतने दीजिए, वही पति आपको इक्वलिटी का लिबर्टी का तो उसको ख्याल ही नहीं आता है, वो तो आपको इतना फ्रीडम दे देगा कि आप आघा जाएंगे इस लिबर्टी इक्वलिटी से, इतना फ्रीडम दे देता है। मुझे तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कुछ पुरुष ऐसे हैं जिनको इक्वलिटी लिबर्टी उनकी खतरे में है, क्योंकि वो इतना दे चुके, जैसे मेरे पास 100 रुपया है, हम आपको पूरे 100 रुपया दे दें तो आप 100 रुपये वाले हो गए, हम 0 हो गए, ऐसे भी लोग हैं, और आप फंसे कहाँ लिबर्टी इक्वलिटी में। बाप से पुत्री का क्या इक्वलिटी, क्या लिबर्टी, बाप तो तुम्हारा गुलाम है यार, इक्वलिटी लिबर्टी छोड़ो। भाई से क्या इक्वलिटी, क्या लिबर्टी, वो तो तुम्हारे लिए रात को 11 बजे भी दौड़ने के लिए तैयार है। अब पति से क्या इक्वलिटी, क्या लिबर्टी, अरे तुमको बाजार जाना है, तुमको कपड़े खरीदने हैं, तुमको खाना बनाना है, तुमको फिर से मिठाई खा, कौन से तुमको पूछना है, वो तो सवेरे निकल गया है बैल की तरह जुता हुआ है, जूता उतार के अंदर घुसता है तो उसको नींद ही आती रहती है, इतना मेहनत करके आया होता है, काहे का लिबर्टी इक्वलिटी। ये जो हमारे मन को मट्ठा बना दिया गया है, भाई हमारी माँ थी, हमारी दादी थी, आपकी माँ आपकी दादी थी, अपने आपके दादाजी से कौन सी इक्वलिटी लिबर्टी की लड़ाई लड़ी, ये विसंगतियाँ सब शहरी हो गई, औद्योगिकरण के साथ साथ ये सारे शब्द पनप गए, जबकि हमको संविधान में आर्टिकल 15 को पढ़िए ना, आर्टिकल 14 को पढ़िए ना, राइट टू इक्वलिटी पूरा पढ़िए ना, अनटचेबिलिटी को खत्म किया, सब कुछ पढ़िए, कमी कहाँ है यार। हम अनुपालन सही से कर नहीं रहे, हम मक्कार हो रहे हैं, हम धोखेबाज हो रहे हैं, हम गलत फलत कामों में अटके हुए हैं, हम राष्ट्र विकास या विकास प्रशासन या प्रगतिशील अवधारणा से विमुख होकर के चैलेंजेस खामखा का स्वीकार किए हुए, उसकी कार से मेरी कार बड़ी हो जाए, उसके प्लॉट से मेरा प्लॉट बड़ा हो जाए, हम ऐसी चुनौती में उलझे हुए हैं जहाँ पे धोखाधड़ी चोरी चकारी सब में उलझ गए हैं। देखिए नहीं, परीक्षाओं में क्या कर रहे हैं, लाखों रुपया दो, पेपर ले लो, नौकरी पा जाओ। अरे जब तुम्हारी नौकरी करने की इच्छा है तो पढ़ाई करने की क्षमता क्यों नहीं है, या तो पढ़ाई करने की क्षमता पैदा करो तो नौकरी करो, अगर पढ़ाई करने की क्षमता नहीं है तो दूसरा कुछ कर लो, लेकिन ये धोखाधड़ी और ये बेईमानी और ये चोरी उचक्कई से क्यों काम कर रहे हो भाई, इसमें जो लोग ईमानदारी से लगे हैं उनका हरास हो रहा है कि नहीं, और समाज में विचार गलत जा रहा है कि नहीं। अरे यार यहाँ तो लेन देन से हो जाता है, पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है, यह अवधारणा विकसित हो जाएगी तो समाज कैसे रहेगा। जो रात को पढ़ रहा है, जो सुबह पढ़ रहा है, जो कोचिंग ले रहा है, जो दिन रात घूम रहा है, मतलब पढ़ने में ही अपना दिन गंवाए हुए है, उसका राइट है ना, नहीं तो राइट टू इक्वलिटी हुई नहीं, मेहनत कोई करे, नौकरी कोई करे।